कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वैसे महाराज से जब बातचीत हो गई थी तब मैंने महाराज से पूछा था कि कौन से विषय पर बोला जाए, तो महाराज ने कहा कि गीता के ऊपर बोला जा सकता है, तो मैंने भी गीता के ऊपर बोलूंगा। भगवत गीता हमारा ग्रंथ जो है अति प्राचीन ग्रंथ, वो प्रस्थान त्रयी में से एक है, इसको स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत आता है और वो एक मोक्ष शास्त्र है। भगवत गीता के ऊपर आप सभी लोग जानते हैं और बहुत लोगों ने अध्ययन भी किया होगा, इसके ऊपर बहुत इसके ऊपर भाष्य लिखे हुए हैं। तीन प्रमुख भाष्य हैं, शंकराचार्य का है अद्वैतवाद प्रस्थापित करने के लिए, रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद, और मध्वाचार्य का है द्वैतवाद के लिए। अब इसके ऊपर काफ़ी टीकाएँ भी उपलब्ध हैं, प्रमुख प्रमुख जैसे मधुसूदन सरस्वती की है, श्रीधरी टीका है, नारायणी टीका है, शंकरानंदी टीका है, रत्न प्रभा टीका है, और ज्ञानेश्वरी वगैरह बहुत सारी टीकाएँ जो है वे उपलब्ध है। तो गीता जो है महाभारत के अंतर्गत भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है, 700 श्लोकों में बटी हुई जो गीता है वो 18 अध्यायों में विभक्त है और हर एक अध्याय योग कहलाता है। जैसे पहला अध्याय विशाल योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तो इस प्रकार से 700 श्लोक जो है भगवद गीता के वो 18 अध्याय में बटे हुए हैं। ये गीता की जो खासियत है कि जो हमारे जीवन को पूरा मार्गदर्शक स्वरूप है। हम लोग यद्यपि इसका अगर ये कहें कि इस गीता का जो सैद्धांतिक भाव जो है उसके साथ साथ भी अत्यंत व्यावहारिक का भी हम लोगों को देखने को उसमें मिलती है। ये नहीं कहते कि हम लोग गीता का जो उपदेश है केवल बुद्धि की चार दीवारी के भीतर ही है, सीमित है, ऐसा नहीं, लेकिन अत्यंत व्यावहारिक भी है और इसी के द्वारा हम लोगों को मार्गदर्शन जो मिलता है अपने जीवन गठन करने का, उससे हम लोग लाभान्वित हो सकते हैं। कई भाष्यकारों ने गीता का जो अनुवाद किया है तो उसमें पहला अध्याय जो है जैसे विशाद योग के नाम से प्रसिद्ध है उसको भी छोड़कर केवल अनुवाद करके द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से मनो शुरू किया है। ऐसा लगता है कि जैसे गीता द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू हो रही है, लेकिन वर्तमान युग में स्वामी विवेकानंद जी ने ये पहला जो अध्याय है जो विशाद योग है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना है, और महत्वपूर्ण इसलिए माना है कि वो भगवद गीता की एक प्रस्तावना जो भूमिका जो है वो है युद्ध भूमि, यानी कि वेदांत के जो सिद्धांत है, उपनिषदों का जो निचोड़ है, सार सार जो बातें हैं जो गीता के रूप में हम लोगों को मिलती है, उसकी अवतारणा कहाँ पर हुई है, युद्ध भूमि पर हुई है। अब युद्ध भूमि जैसी आपातकालीन स्थिति और क्या हो सकती है कि जहाँ पर ये उच्च सिद्धांतों का भी अवतारणा हो रही है और वहां पर ये विवेचना हो रही है जीवन के चरम लक्ष्य के बारे में, आदर्श के बारे में। स्थल है युद्ध भूमि है, वहां पर हम लोगों के भीतर में जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे आधुनिक युग में ये सब साधन करने के लिए या इस प्रकार से पढ़ने के लिए अध्ययन करने के लिए हमारे पास समय कहाँ है, यहाँ पर स्वामी जी का ये कहना है कि अगर उस युद्ध भूमि जैसी जगह पर आपातकालीन स्थिति में ऐसे उच्च सिद्धांतों की विवेचना हो सकती है तो उसकी तुलना में हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। एक सेनापति को जो सैन्य संचालन करना पड़ता है उसकी जो आवश्यकता है उसकी तुलना में मेरी आवश्यकता कुछ भी नहीं है। वो जो जिस प्रकार से ये कुशल प्रशासक थे, सम्राट थे, ये लोग बहुत बड़े चिंतनशील थे, मननशील थे और उन्हीं के द्वारा ही इन उच्च तत्वों के आदर्श जो है हमारे सामने आए हैं। ये लोग भी कर्मव्यस्त रहते थे, लेकिन इनके कर्मव्यस्त रहने के बावजूद भी इन लोगों को इसके बारे में चिंतन मनन मंथन करने का समय मिलता था।
और उसकी तुलना में हमारी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो सिद्धांत जो है ये सभी कहीं जंगल में नहीं, कहीं तपोवन में नहीं, कहीं ऋषि मुनियों के आश्रम में नहीं, लेकिन युद्ध भूमि पर ये यहाँ पर कहे गए हैं। तो इसकी प्रासंगिकता और व्यावहारिकता इसमें है कि कर्म व्यस्तता के भीतर में भी, कोलाहलपूर्ण जगत के भीतर में भी ये सभी सिद्धांत अनुभव किए जा सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये जो गीता का जो आदर्श जो है भगवान कृष्ण ने हम लोगों के सामने रखा है, रथ में बैठे हुए, हाथ में घोड़ों के लगाम लिए हुए, कर्म व्यस्तता के भीतर में प्रशांत चित्त, यानी कि चित्त की प्रशांति साम्य अवस्था, और इसी साम्य अवस्था के भीतर प्रसन्नता के भीतर कर्म, तीव्र कर्म, ये दोनों आदर्श उन्होंने, यही योग की जो अवस्था है उन्होंने हम लोगों के सामने रखी है। वैसे देखा जाए तो भगवद गीता का जो शुरुआत होती है, यानी कि वो है, इसका कारण है कि अर्जुन के ऊपर आया हुआ मोह, यानी कि अर्जुन जैसा एक योद्धा भी जब युद्ध भूमि पर पूरी तैयारी के साथ जाता है और बीचों बीच खड़ा किया हुआ रथ जब उसमें खड़े रहकर के वहां पर जब अपने ही गुरुजनों को देखता है, पितामह को देखता है, सभी मेरे चचेरे भाइयों को देखता है, तो उसके मन में मोह छा जाता है और इस मोह के कारण ही वो वहां पर युद्ध करने से इनकार करता है, कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वहीं पर भगवान कृष्ण इस मोह के कारण उसकी जो बुद्धि भ्रमित हो गई है और जिसके कारण वो विवेक उसका जो भटक गया है उसको ठिकाने पर लाने के लिए ये पूरा भगवद गीता उसको सुनाते हैं। हमारे जीवन की अवस्था भी इससे कोई ज्यादा अंतर इसमें है नहीं, क्योंकि जब मनुष्य को भ्रम हो जाता है, मोह हो जाता है, जो नित्य है उसी को अनित्य मानते हैं और जो अनित्य है उसी को ही नित्य हम लोग समझते हैं, और यही मोह का मतलब प्रभाव है। और इस मोह के कारण ही सब कुछ इसमें विवेकहीन, दिशाहीन मनुष्य की गति बन जाती है और जो अर्जुन के रूप में हम लोगों को देखने को मिलती है। और इसलिए अर्जुन वहां पर कहता है कि मैं यहाँ पर युद्ध नहीं करूँगा, और उसके बाद में ही भगवान का उपदेश होता है। इसके पहले की जो पार्श्वभूमि है हम लोग थोड़ा सा अगर इसमें देखें कि जो शांति दूत बनकर के जब भगवान कृष्ण इनके पास गए थे और दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि ये अधर्म का मार्ग तुम छोड़ दो, अन्याय का मार्ग तुम छोड़ दो, लेकिन दुर्योधन उसके लिए राजी नहीं हुए। लेकिन दुर्योधन ने एक उत्तर दिया जो हमारे आधुनिक मानसिकता का परिचय है, इस कलयुग के मानसिकता परिचय है। उसने कहा था कि मैं धर्म क्या है अच्छी तरह से जानता हूँ, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम मुझे धर्म के बारे में मत समझाओ, क्योंकि मैंने भी पांडवों के साथ साथ मेरे गुरु के पास शस्त्र और शास्त्र विद्या प्राप्त की है, मैं सूक्ष्म रूप से सभी चीज को जानता हूँ, तथापि धर्म करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन अधर्म के मार्ग से हटने का मेरा मन नहीं होता। ये सभी मानसिक परिचयता है, हमारी जो अभी की मानसिकता है उसका परिचायक हम लोगों को मिलता है कि दुर्योधन के रूप में उसके मन पर भी वो यही मोह छा गया था, उसके पास भी भगवान ही गए थे उसको समझाने के लिए, लेकिन मोह के कारण, विवेकहीन होने के कारण वो समझ नहीं पाया, क्योंकि दाम्भिक था। इसीलिए फिर युद्ध अनिवार्य सोच करके जब दोनों ही अर्जुन और दुर्योधन भगवान के पास अपनी सहायता मांगने के लिए जाते हैं, तो भगवान एक पलंग पर सोए रहते हैं। दुर्योधन पहले ही पहुंचता है और वहां पास में बैठे हुए आसन पर आसन ग्रहण करता है, दाम्भिक है इसलिए वहां आसन ग्रहण किया। उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन वहां पहुंचते हैं और भगवान के श्री चरणों में बैठ जाते हैं, उठने की अपेक्षा करते हैं, और जैसे ही भगवान उठ जाते हैं तब उनकी पहली दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ती है, और फिर बाद में उनको आहट होती है कि दूसरा भी कोई यहाँ पर उपस्थित है। दुर्योधन आकर के कहता है कि मैं भी पहले
यहाँ पहले आ चुका हूँ, हम दोनों युद्ध की सहायता के लिए यहाँ पर आए हैं, तो मैं पहले आया हूँ अर्जुन से पहले। तो कृष्ण ने कहा ये बात तो सही है, तुम पहले आए हो, लेकिन पहली मेरी दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ी है। तो ये एक सांकेतिक भाषा है कि भगवान की कृपा दृष्टि पहले अर्जुन के ऊपर रही, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं, चूंकि तुम दोनों मेरे पास आए हो, इसलिए मैं दोनों को मदद करूंगा, सहायता करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं निहत्था रहूंगा, मैं शस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और एक तरफ, दूसरी तरफ है मेरी एक अक्षमणी जी नारायणी सेना, जो कि मेरे ही समान बलशाली है। अब इसमें से दोनों में से तुम दोनों को चुनना है, तो मैं, अर्जुन तो तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए मैं अर्जुन को पहले मांगने के लिए बोलता हूँ। तब अर्जुन को कहते हैं कि तुम मांगो, अब तुमको क्या चाहिए, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा। और अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान को कहते हैं कि युद्ध में विजय होगा या पराजय होगा उससे मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं केवल तुमको ही चाहता हूँ, तुम ही मेरे साथ ही बने रहो, यही मैं चाहता हूँ। और इधर दुर्योधन वास खुश हो जाता है कि उसको एक अक्षौणी सेना मिल जाती है, लेकिन बेचारे को मालूम नहीं रहता कि फल का छिलका उसको मिल गया, पूरा फल का मगज जो था वो अर्जुन को मिल गया। क्योंकि अर्जुन जानता था कि केवल जिन्होंने केवल ये रथ का ही संचालन नहीं, जिन्होंने उनके जीवन रूपी रथ का भी संचालन किया है पूरे जीवन भर, तो वो युद्ध का भी संचालन करेंगे और आगे आने वाले भविष्य का भी संचालन भी भगवान करेंगे, ये उनकी दृढ़ धारणा थी, इसलिए उन्होंने कहा। फिर दुर्योधन जाने के बाद कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुमने तो बड़ी बेवकूफी की मुझे मांग करके, तुम तो मांग सकते थे, एक अक्षौणी सेना मांग सकते थे। तब अर्जुन कहता है कि मुझे जय पराजय की चिंता नहीं, तुमको ही मैं चाहता हूँ, और तुम कौन हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्योंकि अर्जुन स्वयं एक तपस्वी थे, अधिकारी पुरुष थे, उत्तम अधिकारी थे, इसलिए कृष्ण के रूप में कौन ईश्वरीय तत्व खेल रहा है ये उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने उनको मांगा था। मनुष्य के जीवन में दो प्रवृत्तियां साधारणतः रहती है, एक है आदर्श को व्यावहारिक जगत के साथ सामंजस्य करना, जिसको हम लोग बोलते कॉम्प्रोमाइज, और दूसरी प्रवृत्ति रहती है अपने जीवन को ऊपर उठाना, उन्नत उठाना, ताकि वो आदर्श के अनुरूप हो जाए। ये दोनों प्रवृत्तियां रहती है। पहली प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं, ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग जो रहते हैं, उनके लिए जीवन सुखदायी बन जाता है आपात दृष्टि से, लेकिन दूसरी दृष्टि से, यानी कि दूसरा जो मार्ग अवलंबन करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कष्टकर, कठिन, लेकिन उसका फल जो है वो अमृत स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन को इतना उन्नत बनाते हैं कि आदर्श के अनुरूप कर देते हैं। ये दोनों प्रवृत्तियां हमारे जीवन में देखने को मिलती है। पांडवों का जीवन देखिए, उन्होंने कभी आदर्श के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन को ऊपर उठाने की सब समय कोशिश की, और इसीलिए सब समय उनको अपमान झेलना पड़ा, कष्ट दुख सहन करने पड़े, लेकिन साथ साथ नारायण रहे, भाग्य जो है उनके साथ साथ चलता रहा, क्योंकि वैराग्य उनके साथ साथ था, स्वयं भगवान उनके साथ साथ थे, इसीलिए स्वयं नारायण भी उनके पास सारथी बन गए। और इसी के लिए जब युद्ध समाप्त होने के बाद में जब ये अर्जुन और सभी कृष्ण पितामह भीष्म के पास जाते हैं, जो शरशय्या पर सोए रहते हैं, तो वो रोने लगते हैं। तब अर्जुन पूछता है कि ये क्या माया से रो रहे हैं क्या शरशय्या के ऊपर, तो बोलते हैं नहीं, उनको ही पूछो क्या कारण है। तब पितामह कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे दुख कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं ये सोच करके कि जिनके साथ साथ नारायण स्वयं घूम रहे हैं उनके दुख कष्ट का अंत नहीं, इसलिए ईश्वर की लीला कुछ भी नहीं समझ पाया। तो इस प्रकार से जो है कि भगवान की जो लीला है वो समझ में नहीं आ पाती हम लोगों के, लेकिन पांडवों को इसके लिए बहुत अपमान सहन करना पड़ा, लेकिन साक्षात नारायण उनके साथ साथ रहे थे। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अर्जुन ये सभी युद्ध भूमि पर भी ये जब मोह छा गया था, उसके पहले जब युद्ध शुरू होने का था, तब भी इन लोगों ने अपने धर्म का ही पालन किया था।
युधिष्ठिर और सभी पांडवों ने कृष्ण के साथ अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके पितामह के पास गए और वहां जाकर के उन्होंने सभी लोगों को लगा कि ये क्या डर गए या शरणागत हो रहे हैं, लेकिन वो सीधा पितामह भीष्म के पास जाकर के प्रणाम करते हैं क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, यह हमारी परंपरा है। वहां जाकर के उनकी उनके आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि हमारे विजय का आशीर्वाद दे दीजिए। तब पितामह यही कहते हैं कि स्वयं भगवान तुम्हारे साथ है और धर्म तुम्हारे साथ है, इसीलिए जय भी तुम्हारी अवश्यम भावी है। हम लोग तो केवल कुरुवंश से अन्न खा रहे हैं, इसलिए उनके पास में है। अर्थस्य दासो हम, कहा है उन्होंने, क्योंकि ये अर्थ के दास है, इसलिए हम मजबूर हैं इनके पक्ष में लड़ने के लिए। वही आशीर्वाद द्रोणाचार्य ने भी दिया, वही आशीर्वाद कृपाचार्य ने भी दिया, और ये सभी परंपरा का, संस्कृति का, सभ्यता का पालन करते हुए उन्होंने अपने युद्ध को शुरुआत की थी। तो उसमें ये जो मोह उनके मन को छा गया था अर्जुन के मन को, उसी को दूर करने के लिए उन्होंने कृष्ण ने पहले द्वितीय अध्याय के इसमें देखने को मिलता है कि उनको बोलते हैं कि ये किस प्रकार का मोह तुमको अचानक छा गया है। उतस्त्वा पश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं, विषम माने कि इस प्रकार की आपातकालीन स्थिति में ये कौन सा मोह और तुम जैसे योद्धा को कैसे आ गया है, और ये अकीर्तिकर है यानी कि कीर्ति ये तुम्हारी शोभा नहीं देता, अनार्य यानी कि आर्य जाति को भी शोभा नहीं देता, इस प्रकार से उसको फटकारते भी हैं। लेकिन क्या है कि जब मोह में मनुष्य रहता है तब अपने आत्म पक्ष का समर्थन करते रहता है, और यही बात अर्जुन की रही। वो भी तर्क करने लगे थे, उन्होंने कहा कि नाततायों को मारने से क्या होगा, गुरु महत्वानि महानुभावान, कहा है इन गुरु लोगों को, पितामह को, इन लोगों को मारने से तो पापी होगा। इस प्रकार के पक्ष, अपने ही पक्ष के समर्थन में जब मनुष्य को अपनी भूल समझ जाती है तब अच्छा है, लेकिन भूल नहीं समझ जाती तो भूल का समर्थन करने की और एक भूल को करता रहता है, और उसी से एक के बाद एक भूल हो जाती है जो अर्जुन के बारे में हो गई थी। इसलिए भगवान वहां तक चुप रहे थे, उन्होंने कुछ भी बात नहीं की थी। अब जैसे उसके बाद में उन्होंने अपने तर्क को उपस्थापित करने के बाद में जब देखा कि उनके तर्क में कोई दम है नहीं, उनकी विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनको समझ में चला गया अर्जुन को, तभी उन्होंने कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कृपणस्य भाव कार्पण्य कहा जाता है, एक मानसिक दुर्बलता है। क्या साधारणतः कृपण शब्द का अर्थ हम लोग कंजूस करते हैं, तो यह है कृपणता है, मन की कृपणता यानी कि मानसिक दौर्बल्य। क्या है कि जिसमें विवेक के ऊपर मोह छा गया है, आवरण है, और जिसके कारण में इसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट होने के कारण उचित क्या है और अनुचित क्या है इसके बारे में निर्णय नहीं ले पा रही है, इसीलिए उसको कहा है धर्म संपूर्ण चेता, ऐसा कहा है। क्योंकि धर्म के लिए बारे में, अधर्म के बारे में, उचित के बारे में, अनुचित के बारे में निर्णय लेने की क्षमता उसकी उसने खो दी है, क्योंकि विवेकहीन होने के कारण। जब मनुष्य का विवेक प्रखर होता है तब तो कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन जब मनुष्य विवेकहीन हो जाता है तभी उसके बुद्धि पर यानी मोह छा जाता है, उसकी बुद्धि मूढ़ हो जाती है। धर्म संपूर्ण चेता यत् श्रेयस्या निश्चितं गृहीतं मे शिष्यस्तेऽहं शाही मां त्वां प्रपन्नम्, ये कहा है। फिर उन्होंने कहा, अर्जुन ने अपने आप को पूर्ण रूप से निवेदन किया, आत्मनिवेदन कर दिया कृष्ण को, और कहा कि जिससे मेरा कल्याण हो तुम बताओ, यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यस्तेऽहं, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, अब नहीं बोल रहे मैं मित्र हूँ, मैं तुम्हारा फुफेरा भावी भाई हूँ, ये नहीं बोल रहे, शिष्यस्तेऽहं शाधी, मुझे शिक्षा दे दो, मां त्वां प्रपन्नम्, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। यही है कि देखिए कि भगवान के सामने उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को आत्मनिवेदन कर दिया। ये पहला अध्याय जो विशाल जो योग बन गया उसका कारण भी यही था, क्योंकि अर्जुन ने अपने आप को पूरी तरह से भगवान के सामने प्रकट किया, अपनी मानसिक दुर्बलता जो थी, जो मोह छाया हुआ था, वो उन्होंने भगवान के सामने प्रकट किया। हम लोगों के जीवन में ठीक उल्टा होता है, जितनी भी समस्याएं रहती है वो सब हम 10 लोगों को बताते रहते हैं और सबको बांटते रहते हैं कि इसने इस प्रकार से हो गया, मेरे जीवन में समस्या है, लेकिन कभी भी भूल करके भगवान के सामने हृदय प्रकट नहीं करते। लेकिन ठीक उल्टा अर्जुन के सामने ऐसे हुआ था
ये उन्होंने अपने मन की दुर्बलता स्वयं भगवान के सामने ही प्रकट की, इसीलिए विषाद भी योग बन गया था। और विषाद योग बनने के कारण ही उनको भगवान के साथ युक्त रहने की बुद्धि भी थी, क्योंकि जब अपने त्रुटियों को या भूल त्रुटियों को स्वीकार करके जब उन्होंने ये देखा था कि मेरे से इस प्रकार से मैं दोष मूल होने के कारण मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, तभी उन्होंने पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन भगवान के सामने किया था। अब यहाँ पर ही 11वां श्लोक से भगवान अपना उपदेश शुरू कर देते हैं, यानी कि साधक के जीवन की भी यही एक अवस्था रहती है कि पुरुषार्थ जो रहता है वो सबको करना पड़ता है, और ये सब जो भगवान बोलने जा रहे हैं वो किस लिए, कि युद्ध में उसको प्रेरित करने के लिए, अपने कर्तव्य कर्म के प्रति अवहेलना न करने के लिए, ये उसको बार बार उसको प्रेरित कर रहे हैं, युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की इच्छा से ही तुम यहाँ पर आए हो। जब पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन इस प्रकार से साधक की तरफ से होता है, पूरी प्रचेष्टा के साथ जब साधक अपना सब कुछ ये हो जाता है, एग्जॉस्ट कर लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके बाद ही हम लोग ईश्वर के शरणागत जब होते हैं तब ईश्वर की वाणी हमारे भीतर में हमको सुनाई पड़ती है, तब तक नहीं, क्योंकि इसके इसके लिए पुरुषार्थ जो है वो सबको करना पड़ता है, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं सिद्ध होता, कृपा भी नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि बिना कृपा के पुरुषार्थ भी नहीं सिद्ध होता, मानो दोनों परस्पर पूरक है, पहला कौन ये मुश्किल है इसको ये करना, लेकिन पुरुषार्थ और कृपा दोनों ही रहती है, और इसीलिए समझ करके ही उसको आत्मनिवेदन करना ही बुद्धिमानी का काम रहता है। रामायण में हम लोग जो घटना है जिसमें भगवान प्रभु राम सुग्रीव की सहायता करते हैं और वहाँ पर उसको कहते हैं कि तुम बाली को चुनौती दे दो और उसके साथ युद्ध करो, पहली बार तो मार खा करके वापस आ जाते हैं और फिर उसके बाद में उसको कहते हैं कि गले की माला पहन लो, फिर मैं तुमको पहचान पाऊंगा, चुनौती तुम फिर से दे दो, अब मैं एक ही बाण से उसका वध करूंगा। तब सुग्रीव कहता है, प्रभु अगर आप ही मारेंगे तो मुझे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है, चुनौती देने की क्या आवश्यकता है। तब भगवान कहते हैं कि नहीं, पुरुषार्थ तुमको करना पड़ेगा, युद्ध तुमको करना पड़ेगा, लेकिन वध मैं करूंगा, एक ही बाण से करूंगा। तो ये है कि साधक के जीवन में ये जो पुरुषार्थ है वो अवलंबनीय है, अनुकरणीय भी है, और इसी को जब तक हम लोग कर सके, तभी जब एक कदम हम लोग आगे बढ़ेंगे तब तो 10 कदम भगवान हमारे सामने आते हैं। अगर वो ऐसा नहीं होता तो कभी भगवान लाभ ईश्वर साक्षात्कार कभी भी नहीं होता, ये उनकी अहेतु कृपा है। तो इसीलिए पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन करने के बाद में ही भगवान अपना उपदेश शुरू कर देते हैं। पहले गीता में द्वितीय अध्याय में उसको आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, आप अगर उसको पढ़ेंगे। इसका कारण भी यही है कि जैसा रोग रहता है उसका इलाज भी उतना ही अधिक करना पड़ता है। रोग उसका बहुत कठिन था, मोह का जो आवरण था उसको हटाना था, इसलिए उसको अपने स्वरूप के बारे में उन्होंने अवचेतन करा दिया कि तुम्हारा स्वरूप जो है नित्य जो स्वरूप है और जिसके लिए तुम शोक करने योग्य नहीं, उसके लिए तुम शोक कर रहे हो और पंडित जैसी बातें कर रहे हो, तो इस प्रकार का तुमको जो ये है, तो वो तत्व जो है उस ईश्वरीय तत्व जो है वो हर एक के भीतर है और तुम किसके लिए रो रहे हो, शोक कर रहे हो। ये लोग अभी भी पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, और कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन इन लोगों के लिए तुम शोक कर रहे हो। इस प्रकार से बहुत सारी बातें उन्होंने पहले आत्मज्ञान के तौर पर उन्होंने उनको अर्जुन को उपदेश दिया, और फिर इसके बाद में उन्होंने ये कहा कि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि, कि ये जो सब बातें तत्व ज्ञान की जो है, आत्मज्ञान की जो है, मैंने तुमको बताई, ये हो सकता है कि अभी तुम्हारी बुद्धि भ्रमित होने के कारण या मोह बुद्धि के कारण तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन इसी को ही तुम बुद्धि योग से समझो। अब अगर पूरा गीता की हम लोग अगर विवेचना करें, पहले अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक अनासक्ति योग जो है वो प्रमुखता से हम लोगों को मिलता है। भगवान ने प्रत्येक अध्याय में बहुत सारे श्लोकों में इसकी अवतारणा की है, ये है अनासक्ति योग, और इसी अनासक्ति के साथ ही कर्म करना ही उन्होंने उचित समझा है। निष्काम कर्मयोग, जो निष्काम बुद्धि से किया हुआ कर्म,
इसलिए उन्होंने कई जगह जगह पर योग इसको कहा है, समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम इत्यादि सभी कहा है। यह है कि कर्म को भी कर्म योग में परिणत कर कैसे किया जाए, ये भगवान ने उसमें सिखाया है। अब उनका खुद का जीवन भी वैसे ही है, जो आदमी का जीवन वैसे रहता है वो अगर उस प्रकार का उपदेश दे तो ही वो सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे उनकी शक्ति रहती है, वो आध्यात्मिक शक्ति रहती है, इसी के कारण सभी लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं। भगवान ने उनको ये कर्मयोग का जो कहा, वैसे गीता में कर्म भक्ति और ज्ञान ये तीनों योगों को समान मर्यादा भगवान ने दी है, और इसी कर्म के बाद यानी कि कर्मयोग से ही कर्म को कर्मयोग में परिणत करके अंतकरण शुद्ध जब हो जाता है तब ईश्वर संबंध बनता है। लोगों की कर्मचित लोगों की परीक्षा होती है, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद माया नास्तिक कृतेन, जब ये इस प्रकार से कर्मचित लोग जो है यानी कि कर्म के द्वारा कुछ होने वाला नहीं है, ये कब समझ में आता है कि सभी कर्म करने के बाद समझ में आता है। कृत अकृत यानी जो है जो अनक्रिएटेड जिसका कोई ये उद्भव नहीं हुआ, ऐसी अविनाशी जो तत्व है उसको इस कृत कर्मों द्वारा लाभ नहीं किया जा सकता। ये साधक के जीवन में जब उसको समझ में आता है तभी वो ईश्वर संबंध बनाता है, ईश्वर की खोज में निकलता है, और ये है ईश्वर संबंध जो बनता है उसके भीतर में अंतकरण शुद्ध मन हो जाता है, और ये अंतकरण शुद्ध का कारण ये जो है ये है कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग जो कहा है। अब हम लोग देखते हैं कि ये ठीक है, सिद्धांत अपनी जगह पर है, सिद्धांतों के वही इसमें हम लोग कहें, लेकिन व्यावहारिक जीवन में तो ये भी भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से ही दिखा दिया है कि इसको व्यावहारिक जीवन में भी हम लोग उसका अवलंबन कर सकते हैं। उनका खुद का जीवन भी वैसे ही था, सभी कर्मों में लिप्त होने के बावजूद भी पूर्ण निर्लिप्तता उनमें थी, किसी भी इसमें उन्होंने अपना अनासक्ति योग छोड़ा नहीं है। उन्होंने ये कहा कर्म फल में आसक्ति का त्याग, कर्म में प्रति आसक्ति का त्याग, कर्म में जो कर्तृत्व भक्तृत्व है उसके प्रति का त्याग, और कर्म करते समय साक्षी अवलंबन, अलग अलग प्रकार से उन्होंने ये जो शिक्षा उनको उसमें दी है उसमें यही कहा है कि निष्काम कर्म से यानी कि निष्काम भाव से ये जो बुद्धि योग जो कहा है ये इसी को ही समत्व, और समत्व से ही चित्त की साम्यावस्था बन जाती है, और इसी चित्त की साम्यावस्था में ही मनुष्य सुचारू रूप से सुसूत्र रूप से कर्म संपन्न कर सकता है, क्योंकि उसके भीतर में जो शक्ति है जो शक्ति उसका अपव्यय नहीं होता। आवेग से किया हुआ कर्म हम लोग जानते हैं कि हमारे शक्ति का खर्च कर जाता है, ज्यादा खर्च हो जाता है, शक्ति का अपव्यय कर लेता है, लेकिन निष्काम भाव से किया हुआ कर्म जो है वो शक्ति का संचय कर लेता है, शक्ति का शक्ति नष्ट नहीं होती, और इसी के कारण उन्होंने इसका बार बार प्रतिपादन जो किया है भगवान ने निष्काम कर्मयोग का, वो इसीलिए किया है कि अंतकरण की शुद्धि के लिए, और जिसके साथ साथ ही ये अंतकरण की शुद्धि के साथ ही ईश्वर संबंध जो बनेगा। उन्होंने काफी इसमें जो कहा है अर्जुन को जो उपदेश उन्होंने ये दिया था द्वितीय अध्याय में भी, उसमें अर्जुन का स्वाभाविक पूछना था कि हम लोग जो भी इस प्रकार के सिद्धांत पढ़ते हैं, इस प्रकार के जो आदर्श को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को केवल एक पुस्तक पढ़ने से प्रवचन सुनने से इसकी धारणा नहीं हो सकती, होती नहीं है, इसलिए गुरु का ईश्वरीय तत्व का यानी कि अवतार पुरुषों का या महापुरुषों का प्रयोजन इसके लिए है कि उनके जीवन में कैसे ये है, ये जो तत्व है ये कैसे प्रतिफलित होते हैं, ये किस किन लक्षणों से हम लोग उसको जान सकते हैं, और इसी की अवतारणा फिर अर्जुन अपने प्रश्न से करते हैं कि स्थित प्रज्ञ जो रहता है जिसके बारे में तुमने कहा है उसकी भाषा क्या है, यानी उसके लक्षण क्या है, यानी वो कैसे बैठता है उठता है चलता है फिरता है, यानी उसका आचरण क्या है कैसे होता है, तो ये जानने की इच्छा से कि इस प्रकार से उसके लक्षण हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं कि जिन लक्षणों के द्वारा हम समझे ये स्थित प्रज्ञ है। आचार्य शंकर ने इसके ऊपर कहा है ये जो महापुरुषों के जो लक्षण रहते हैं यानी कि स्थित प्रज्ञ के लोग जो लक्षण रहते हैं वो साधारण साधक के लिए अनुकरणीय और अवलंबनीय रहते हैं, क्योंकि उनके लिए जो आध्यात्मिक उपलब्धि जो स्वाभाविक रहती है उनके जीवन में ये जो तत्व का ईश्वरीय तत्वों का जो अनुभव होता है जो स्वाभाविक रहता है वही साधकों के लिए
साधन स्वरूप या आदर्श स्वरूप या मार्गदर्शक स्वरूप होता है। तो इसीलिए इसकी स्थित प्रज्ञ की आलोचना उन्होंने वहां पर की, चर्चा की, और स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी उन्होंने उसमें बताए थे। बाद में हरे अध्याय में भी उन्होंने इस प्रकार से हरे कर्मयोग है, इसके बाद सांख्य योग है, ध्यान योग है, इस प्रकार से उन्होंने हर एक योग के बारे में विस्तार पूर्वक उन्होंने यहाँ पर चर्चा की थी। भगवान का यहाँ पर कहने का ये था कि अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने का यही उद्देश्य था कि कर्म करने के लिए तुम जो ये कर रहे हो, युद्ध करने के लिए जो ना बोल रहे हो, इसमें तुम्हारा और तुम्हारे इसका ही कुल का ही तो अपकीर्ति होने वाली है, और तुम इससे जो तुम्हारा अपनी नाकामयाबी सिद्ध कर रहे हो इसके ये न करने के कारण, युद्ध न करने के कारण। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि कर्म करने का सूत्र क्या है। युद्ध भी तो एक कर्म है, जैसे हम लोग अलग अलग तरह के कर्म हमारे कार्य क्षेत्र में करते हैं वैसे भी ये कर्म है। लेकिन ये कर्म कैसे करें, कैसे सुष्ठ भाव से हो जाए, कैसे सुचारू रूप से हो जाए, इसी को ही भगवान उसको समझाते हैं और कहते हैं कि केवल तुम निमित्त हो जाओ इसके लिए। मैंने तो सब लोगों को मार ही दिया है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, जो उसमें उन्होंने कहा था, और उसमें कहा था कि मैं ही महाकाल स्वरूप हूँ और मैंने ही इन सब लोगों की महा यानी कि परमायु हरण कर ली है। अब केवल तुम बाण चलाओ, केवल तुम निमित्त हो जाओ और केवल मेरे कहने से ही तुम लोग चलो। तो ये पूरा जो प्रयास उनका वहां पर रहा है कि वहां इस गीता में वो उसकी मोह को दूर करने के लिए जगह जगह पर भगवान उसको ये कहते हैं कि कैसे मां मनुष्य और युद्ध, इस प्रकार का उद्देश्य भी है उनका है, और यद क्रोश यद अश्नासी यद दोषी दासी, इस प्रकार से कहते हैं कि जो भी कुछ कर्म करोगे, जो भी कुछ करोगे वो मुझे अर्पण करके करोगे कुछ भी। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो भगवान बाहर में भीतर में सभी जगह है। आंख बंद करने से ईश्वर है, आंख खोलने से क्या ईश्वर नहीं है, जो अंतर्यामी है वही बहिर्यामी भी है, और इसीलिए केवल जो अखंड चैतन्य सत्ता भीतर में है वो बाहर में भी है। इसीलिए उसी आध्यात्मिक उपलब्धि से ही कर्म करना जो योग कहा गया है, और इसी आध्यात्मिक उपलब्धि ही हमारा श्रेष्ठ संपद है। साधना करते समय इसके समय स्वाभाविक है कि हम लोगों को ईश्वर लाभ कब होगा, हमारे गंतव्य स्थान हम लोग कब तक जाएंगे, ये मन में विचार आने स्वाभाविक है। लेकिन खोजोगे लेने कहाँ खोजेंगे उसको, वो तो सब कुछ भीतर और बाहर दोनों जगह सभी जगह है। केवल आवरण को हटाना है, जिसको वेदांत में कहते हैं आवरण को हटाना, यानी कि सूर्य तो स्वयं प्रकाशित है, बादल के द्वारा आच्छादित है, बादल हट जाएंगे तो सूर्य अपने आप प्रकाशित होता है। वैसे ही ये जो है हमारा स्वरूप जो है उसके ऊपर केवल ये मोह का आवरण है, मोह के कारण ही सब कुछ ये सृष्टि हुई है। ये वेदांत में जिसको अविद्या काम कर्म संसार जो श्रृंखला बनी हुई है, इसी से ही तो मोह उत्पन्न होता है, मोह से कर्म और कर्म से संसार, संसरति इति संसार कहा गया है। तो ये मोह से सब कुछ उत्पन्न होता है, इसलिए उन्होंने कहा था कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीत रिष्यति, यानी कि मोह को कलिल कहा है, दलदल, दलदल में जैसे एक पैर डाल दो तो उसको फंस जाता है, दूसरा उठा तो उसको पहला उठाने में कठिनाई और आदमी उसमें ही खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से मोह भी एक भयंकर दलदल है जिसमें सभी प्राणियों को उसमें फंस जाते हैं, और नित्य वस्तु को अनित्य और अनित्य को अनित्य समझने का ये बहुत बड़ा इसमें मोह का काम रहता है। और इसीलिए सभी इसका जो प्रयास भगवान का इसी पूरे 18 अध्याय में रहा था वो इसलिए रहा था कि उसका मोह खत्म हो जाए। और अंत में 18 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि जब अर्जुन स्वयं ही कृष्ण को कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, कहा है कि जो मोह मेरे ऊपर छा गया था वह दूर हो गया है और मैं स्थितोऽस्मि, यानी कि मैं अपने स्वरूप में मानो स्थित हो गया हूँ, स्थिर हो गया हूँ। करिष्ये वचनं तव, मैं तुम्हारी जैसे तुम कहोगे वैसे ही मैं करूँगा। अगर क्या भगवान जैसा कहते, अगर अर्जुन वैसा नहीं करते तो युद्ध में जीतना कभी भी संभव नहीं था। फिर भी अर्जुन के ये था शरणागत होने के कारण उन्होंने कहा
जैसा आप कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा। और ये जो संपूर्ण जो हम लोग देखते हैं, भगवान ने पूरी भगवद गीता उनको जो सुनाई थी उसी में उनको प्रेरित किया था, युद्ध में जय भी प्राप्त हो गई थी, लेकिन उनका स्वयं का भाव अगर देखा जाए तो संपूर्ण निर्लिप्त था। युद्ध के बाद में विजय प्राप्त करने के बाद में भी जो दिव्य रथ जिसमें वो बैठे थे, उन्होंने अर्जुन को पहले कहा कि तुम इस रथ से उतर जाओ, और वे खुद स्वयं उतर गए। और फिर उसके बाद में हनुमान जी जो उसकी पताका के इसमें बैठे थे वो भी आकाश मार्ग से वहां से चले गए। तब वो दिव्य रथ जो शत्रुओं के मन में भय पैदा करता था वो जलने लगा और वो जल करके राख हो गया। अर्जुन ने दुख से कृष्ण से पूछा, ये रथ कैसे जल गया, ये दिव्य रथ जो कभी अमर जैसे था वो कैसे जल गया। तब भगवान उसको कहते हैं कि ये रथ मुझे इसलिए जला नहीं क्योंकि मैं इसके ऊपर बैठा था। इस रथ ने कर्ण द्रोण और सभी पितामह के ये जो ब्रह्मास्त्र और सभी अग्नयास्त्र वगैरह जैसे अस्त्र लिए हैं ये तो उसी समय जल जाता, लेकिन मैं यहाँ पर बैठा था इसलिए जला नहीं। अब इस रथ का काम जो था तुमको विजय प्राप्त करना वो हो गया है, अब इसके द्वारा जो प्रयोजन था वो तुम्हारा संपन्न हो गया है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं अभी इसने उस इसको रथ को त्याग कर दिया हूँ, इसलिए अभी वो जल गया। वैसे ही दृढ़ स्वर से बोलते हैं अर्जुन को कि तुम्हारा और मेरा जीवन यानी कि मेरा जन्म जो हुआ है वो भी एक विशिष्ट कारण से हुआ है, एक प्रयोजन से हुआ है, जब प्रयोजन खत्म हो जाएगा तब हम लोग भी संसार से चले जाएंगे। तो ये जो संपूर्ण निर्लिप्तता आपको जो भगवान के जीवन में और उनके वाणी में उपदेश में दिखाई पड़ती है वो सभी भगवद गीता का हमारा ये एक सार संदेश मेरा है। वो पूरी गीता को यहाँ बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, जो सार बातें हैं उसको बताना कि ताकि आपके मन में भी थोड़ी सी अभिरुचि उत्पन्न हो जाए कि पढ़ने के लिए अध्ययन करने के लिए, और उसके ऊपर चिंतन मनन और मंथन करके अपने जीवन में उसको किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाए, यही मेरा उद्देश्य था।